हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ट्रैक्टर नगर पे। आज हम बात करने वाले हैं पीसीडीसी लीवर सेटिंग के बारे में। पीसीडीसी लीवर सेटिंग कैसे करते हैं आपको अभी हम दिखाते हैं इसमें। और उससे पहले आपको बता दें, इसमें जाम की समस्या थी, दोनों लीवर जो है एक साथ चलते थे। जाम क्यों हो जाता है ये आखिर, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं उसको भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पीसीडीसी लीवर जो है उसको बाहर निकालना है, और उसके साथ जो शाफ्ट जुड़ी रहती है, एक छोटी शाफ्ट होती है एक लंबी शाफ्ट होती है, उसको भी हमें निकालना है। जो लीवर लगा रहता है वो जुड़ा रहता है शाफ्ट से। ये आप जो शाफ्ट देख रहे हैं ये लंबी वाली, इसको बोलते हैं डीसी लीवर शाफ्ट, ठीक है। और एक छोटी रहती है अभी जो आप ये निकालेंगे, दोनों एक दूसरे से क्या है चिपकी रहती हैं। तो एक जगह ऐसा होता है कि वो जाम होने लगती हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि वहाँ पे जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, पानी के कांटेक्ट में आ जाता है, मिट्टी के कांटेक्ट में आ जाता है, तो वहाँ पे उसका जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए दोनों सब जाम चलती हैं। तो अभी यहाँ देखेंगे आप, इसकी साफ़ सफाई हो जाएगी अच्छी तरीके से, इसकी हम सफाई करेंगे, रेग माल लगाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद में जंग वगैरह साफ़ करेंगे, और उसके बाद में हम इसको फिर से असेंबल करेंगे। कैसे असेंबल करते हैं उसको आप दिखाते हैं, पहले से साफ़ सफाई इसको अच्छी तरीके से आप कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे साफ़ सफाई तो अपनी जगह पे ठीक है, साफ़ सफाई हो गई है यहाँ पे। और जब भी हम पार्ट्स को खोलें तो साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अभी सबसे पहले हम जो पीसी लीवर का साफ आप देखेंगे, ये इसमें हमने इसको असेंबल कर दिया है। और उसके बाद में अब जो डीसी लीवर का यानी लंबा वाला जो साफ्ट रहता है उसको यहाँ पर असेंबल करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पर देखेंगे बॉडी पर एक निशान होता है, और साफ पे भी निशान होता है। अभी आपको हम आगे बताते हैं कि उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे उसको सही करना है। फिलहाल अभी हम ये डीसी लीवर यानी लंबा वाला जो है उसको हम असेंबल करेंगे। यहाँ पे एक बॉडी पे निशान है, यहाँ पे शो किया जा रहा है, आप देख सकते हैं, इसको घुमा के उस निशान के सामने ले आएंगे। जी हाँ, बॉडी ये आप देख रहे हैं, बॉडी और जो उस पर साफ पे है, तो उन दोनों को सामने सामने पे रखना है हमको, ठीक है। अभी हम जो लंबा वाला यानी डीसी लीवर का जो साफ्ट है उसको हम असेंबल करेंगे। सबसे पहले इसमें इसको लुब्रिकेट करेंगे, ग्रीस वगैरह लगाएंगे। आयल है आपके पास तो आयल लगाइए, ठीक, आयल सबसे बेहतर होता है। यहाँ पे आयल लगा लेंगे, और इसके बाद हमें हम स्प्रिंग लगाएंगे, बड़ी वाली स्प्रिंग लगाएंगे, और एक लॉक पत्ती लगाएंगे। जल्दी से इसको कर लेते हैं हम, यहाँ पे ये हो गया। अभी इसको सबसे एक सर्कली ब्लॉक लगता है, लॉक लगा देंगे हम, और उसके बाद स्प्रिंग लगाएंगे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे सर्कली ब्लॉक लग चुका है दोस्तों। और अब हम यानी जो लंबा वाला डीसी लीवर जिसको बोलते हैं, वो साफ्ट जो है उस पर स्प्रिंग को चढ़ाएंगे हम। दोस्तों ये है स्प्रिंग, इसमें लगा रहता है, ये देखेंगे आप इस तरीके से। और उसके बाद में एक लॉक पत्ती लगी रहती है यहाँ पे, इस तरीके से इसको हम लगाएंगे। आप देख लीजिए लगाने का तरीका क्या है, इस तरीके से इसको इसके ऊपर बिठा देंगे हम। और उसके बाद अब इसको असेंबल कर देंगे हम, जहाँ पे अभी हमने पीसी लीवर का साफ्ट लगाया था, इसको भी लुब्रिकेट करने के बाद में उसी के अंदर ये रहता है, आप देखेंगे इसको, अब इसी में असेंबल कर देंगे। इसमें भी दोस्तों एक निशान लगा रहता है, और निशान के अनुसार ही हम पीसी लीवर और डीसी लीवर को मिलाते हुए इसको असेंबल करते हैं। जल्दी से इसको फिट कर लेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ये हो चुका है फिट। दोस्तों सबसे पहले हम पीसी लीवर की सेटिंग करते हैं, यानी पीसी लीवर को सबसे पहले इस प्लेट पे लगाते हैं। तो यहाँ पे लीवर है, ये देखिए लीवर है, और यहाँ पर एक निशान है। तो लीवर में जो निशान है और इस बॉडी पर जो निशान है, यानी कि साफ्ट में, इन दोनों के निशान को आमने सामने ही रखना है। जिस एंगल पे निशान रहेगा
उसी एंगल पे हमको जो लीवर है उसको भी रखना है, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है आपको क्लियर ना दिखे, लेकिन जब भी आप खोलेंगे तो वो सामने आपके रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे असेंबल कर सकते हैं पीसी लीवर को। दोस्तों यहाँ पे लीवर में आप देखेंगे एक वॉशर लगता है, वॉशर दो लगते हैं एक्चुअली, दो वॉशर के बीच में एक सेपरेटर प्लेट लगती है, एक यानी कि सेपरेटर पत्ती दोनों लीवर को अलग थलग करने के लिए। अभी ये वाला आप देखेंगे लोहे का लगा रहता है ये, तो ये बीच में लगा रहता है और इसके ऊपर एक और वॉशर लगता है ये इस तरीके से, यानी कि तीन वॉशर हो गए टोटल, एक बीच में सेपरेटर पत्ती इसको बोलते हैं। ठीक, ये लग गया। अभी आप देखेंगे निशान होता है एक बॉडी पे, बॉडी का मतलब सेंस ये है कि ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा उभरा हुआ भाग है इस पे का एक निशान, और जो लीवर पे निशान रहता है ये देखिए आप, ये आपको दिख रहा है, तो इस पे एक निशान है, इस पे निशान और इस पे निशान, दोनों को आपस में मैश करेंगे यानी मिलाएंगे तभी ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आप देखेंगे ये जो डीसी लीवर है यहाँ पे फिट हो चुका है, इससे पहले हमने पीसी लीवर किया था, तो दोनों लीवर की सेटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे एक वॉशर लगता है उसको लगाएंगे और नट लगा के टाइट इसको कर देंगे हम इस तरीके से। तो ये पूरा असेंबली दोस्तों फिट हो चुकी है। लीवर की सेटिंग कैसे करते हैं उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा जानकारी मिली होगी। अगर थोड़ा सा भी जानकारी आपको मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक्टर और ऑटोमोबाइल संबंधित जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। चलिए अभी इसका दूसरा पार्ट हम हो सकता है लेके आएँ या इसी में अभी फिट कर देंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है इसलिए इसका पार्ट टू हम रिलीज करेंगे कि इस जो हम सेटिंग कर दिए हैं इसको हाइड्रोलिक टॉप में कैसे ले जाके उसको फिट करेंगे, कहाँ कहाँ पे मैकेनिकल लिंकेज में उसको फिट करेंगे, वो आपको वीडियो जल्द ही मिलेगी। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ये वहाँ मेरे स्कूल पर, ये आपका डीसी ड्राफ्ट कंट्रोल।